बिना ड्रामे की। ये एपिसोड तो ऐसे है जैसे कभी खुशी कभी गम। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दानिश एक अच्छे और केयरिंग हस्बैंड की तरह फिजा को उसके मायके से पिक एंड ड्रॉप करता है और वहाँ पे यूं ही महसूस करवाया जाता है जैसे कि ये एक परफेक्ट कपल हो। लेकिन अभी इस स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है क्योंकि साद आया है अपनी माँ को लेकर आयशा के घर। साद की माँ पहले तो लाइक अहमद से माफी मांगती है और उसके बाद आयशा का रिश्ता मांग लेती हैं। पुप्पो और बाबा जान तो अच्छी खासी बातें सुनाकर उनको निकाल देते हैं और साथ ही साथ लाइक अहमद उनको ये भी कह देते हैं कि मैं तो इसका रिश्ता अपनी बेटी के साथ हरगिज नहीं करूँगा। वैसे जितनी बदनामी ये साथ की वजह से लाइक अहमद बेचारे की हुई थी उनका बनता भी यही था कहना, क्योंकि आयशा तो उनकी बेटी है उसको दोनों ने माफ कर दिया। अब जरूरी तो नहीं था कि साथ से ही उसकी शादी कर दी जाए। ड्रामा में तो यही दिखाया गया है कि आयशा बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन देखा जाए तो आयशा कोई ना कोई गलती कर देती है जिसकी वजह से बाबा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप देख लें कि ये इतनी बड़ी टेंशन लेते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं वो तो जानते होंगे कि मैंने ये बात पहले ही कर दी थी कि लाइक अहमद बीमार हो जाएगा और वो हार्ट पेशेंट बनेगा। आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में। आयशा काफी टेंशन में फिजा को कॉल करती हैं, यहाँ तक कि आयशा क्या सारी घर वाले काफी टेंशन में है। फिजा को जब मालूम होता है तो वो भी बहुत ज्यादा महसूस करने लग जाती है। दानिश आता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर इन्हें मालूम होता है कि लाइक अहमद को हार्ट अटैक हुआ है और ये हार्ट अटैक उनके लिए काफी खतरनाक था। अब अगर उनको ज्यादा टेंशन दी गई तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिजा तो डॉक्टर की बातें सुनकर काफी देर से रोई जा रही है और दानिश इस बात को महसूस करता है और उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उसको एक केयरिंग हस्बैंड की तरह हौसला भी देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वक्त के साथ साथ दानिश फिजा के साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब आयशा क्या क्या होगा, क्योंकि अब तो फिजा भी आयशा के साथ बुरी हो जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं इसकी न्यू एपिसोड का रिव्यू लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।